बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है पाकिस्तान की सियासत से या फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत से। आज हम आपको बताएंगे कि माइनस इमरान खान फार्मूला है क्या और इसके पीछे मकासद क्या हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए हमेशा से ही जो पॉपुलर सियासतदान होते हैं या जो सियासी जमातें होती हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ किसी दौर में बहुत ज़्यादा मकबूल सियासतदान थे, उनको वज़ारत उज़्मा से माइनस किया गया क्योंकि करप्शन के एलिगेशन थे या जो भी मामलात थे, लेकिन उनको माइनस किया गया। इसी तरीके से MQM से अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया गया, उनके भी बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन ये जो माइनस करने का रिवाज है ये यहाँ पर नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि ये अरसा दराज से ये पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा बनता जा रहा है। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी को भी माइनस करने की कोशिश की गई, इसी तरीके से नवाज शरीफ को जमात से माइनस करके शहबाज शरीफ को लाने की कोशिशें की गई और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन अब तमाम तर तोपों का रुख इमरान खान की तरफ है। इमरान खान साहब माजी में माइनस वन वाली बातों के ऊपर ऐसा जितना यकीन नहीं रखते थे, लेकिन किसी ना किसी हद किसी ना किसी तरह या किसी ना किसी किरदार में इमरान खान इसको सपोर्ट भी करते रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जिस तरीके से एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि इमरान खान ने इस वक्त चार जो पाकिस्तान की सियासत के बड़े पिलर्स हैं उन सबको इमरान खान चैलेंज कर रहा है। पहले नंबर पे जो पाकिस्तान की सियासत में और हुकूमत साजी में जिसका बड़ा किरदार होता है वो अमेरिका का है। इमरान खान पब्लिकली जब वजीर आजम थे और फिर वजारत उज़्मा से बेदखल होने के बाद वो पब्लिकली अमरीका को टारगेट कर रहे हैं, अमरीका के रिजीम चेंज ऑपरेशन को पाकिस्तान के साथ गद्दारी करार दे रहे हैं, लड़ रहे हैं इस रिजीम चेंज ऑपरेशन और अमेरिका के खिलाफ। इसके बाद पाकिस्तान में बड़ा किरदार होता है एस्टैब्लिशमेंट का, आर्मी का। इमरान खान आर्मी के साथ भी लफ्जों में खुल के या फिर कह सकते हैं कि दबे अल्फाज में टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जुडिशरी अदलिया, इसका बड़ा कलीदी किरदार होता है, लेकिन इमरान खान इस वक्त अदलिया के साथ भी उनका मैच चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासी जमात में से अगर इस वक्त कहें कि जो पाकिस्तान के ऊपर रूल करने की सलाहियत रखती है यह ख़ानदान जो है शरीफ फैमिली, उनको भी इमरान खान ने टारगेट किया हुआ है। तो एतजाज़ अहसन साहब की जो बातें हैं वो ये कहती हैं कि इन चार जो पाकिस्तानी सियासत के पिलर्स हैं इमरान खान उनसे अकेला टक्कर ले रहा है। तो जाहिर है जब आप अकेले टक्कर लेंगे तो फिर आपको उसके आफ्टर शॉक्स इफेक्ट्स असरात या उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और इमरान खान मेंटली इस बात के ऊपर तैयार हैं कि वो हर किस्म का जो कॉन्सिक्वेंस है जो भी वो कहते हैं कि होगा वो कह रहे हैं मैं इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार हूं। बेसिकली माइनस इमरान खान फार्मूला है क्या? आपको नाज़रीन आपके इल्म में ही है कि आईन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जहांगीर खान तरीन और कुछ और जो पाकिस्तानी सियासत के बड़े किरदार हैं वो ताहयात नाअहल हो चुके हैं। वो पाकिस्तान की सियासत में पार्लियामान में सियासत में तो आ सकते हैं, सियासत कर सकते हैं, लेकिन ना वो वजीर आजम बन सकते हैं, ना वो MNA बन सकते हैं, ना वो MPA बन सकते हैं और ना ही वो सेनेटर बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला भी जेरे गौर नहीं है या जेरे समात नहीं है जिसके ऊपर इन सब को रिलीफ फराम किया जाए, और अगर रिलीफ फराम किया जाता है तो इस वक्त अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल जो सियासतदान है वो वो इमरान खान है और जो जमात है वो तहरीक इंसाफ है। तो अगर कोई अदालत ऐसा फैसला करती है और एक सियासी जमात और वो मकबूल तरीन सियासी जमात और रहनुमा और लीडर अगर उसकी मुखालफत शुरू कर देता है तो ना अदलिया के कुछ पले रहेगा और ना ही ये फैसला कराने या फिर करने वालों के कुछ पले रहेगा।
लिहाजा अब प्लान ये किया जा रहा है कि इमरान खान को हमने टारगेट करना है, इमरान खान को हमने डिस्क्वालीफाई करना है, और वो जब डिस्क्वालीफाई लोअर लेवल के ऊपर किया जाएगा तो फिर इमरान खान जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये प्लान है। कहां से हो सकता है इमरान खान डिस्क्वालीफाई, ये डिबेट है, ये ऑप्शन चल रहे हैं, ये मामला चल रहे हैं। पहली बात तो ये की जा रही है कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ की वतन वापसी और नवाज शरीफ की सियासत में वापसी बतौर उम्मीदवार MNA या उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो चार्जेस हैं वो खत्म, उसको एक्सेप्ट कर लें। इमरान खान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो जब तैयार नहीं है, इमरान खान ये समझते हैं कि जो बंदा करप्शन या करप्शन के ऊपर या फिर करप्शन के एलिगेशन के ऊपर या फिर जिनके ऊपर करप्शन साबित हो जाए उनको तो टीवी चैनल्स के ऊपर भी ऑन एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुआशरा खराब होता है, इसमें मुआशरे की बदनामी होती है। तो इमरान खान कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि वो बंदा MNA बन के आ जाए और फिर वो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लिहाजा इमरान खान इसके ऊपर किसी तौर पर तैयार नहीं है। तो अब जब तैयार नहीं है तो अब उनको सबक सिखाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जरिए नाअहल करार दे दिया जाए। इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है कि वो माफी मांगे। इमरान खान माफी मांग नहीं रहे अदालत से, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, एक जो टॉर्चर किया गया गैर इंसानी टॉर्चर हुआ, कानून के बिल्कुल खिलाफ था और ऐसा टॉर्चर किया गया, बेहिमाना किस्म का टॉर्चर किया गया, इमरान खान ये कहते हैं कि जिसमें आप उनको सेक्सुअल अब्यूज भी कह रहे हैं। जब कानून में टॉर्चर फिजिकली टॉर्चर अलाउ नहीं है तो फिर ये टॉर्चर क्यों किया गया है, तो पहले तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और दूसरा उन्होंने कहा मैंने कोई जज को पर्सनली धमकी नहीं दी, मैंने आपको कहा कि मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, हम कोर्ट से रजू करेंगे। आप कहते हैं इसके ऊपर मैंने कौन सी तौहीन अदालत कर दी है, नील डाउन करना चाह रहे हैं मुझे, मैं नील डाउन नहीं हूँ, लिहाजा आपने जो करना है कर लें। इसलिए वो बारहा ये कह रहे हैं कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वो खतरनाक की बात पैगाम दे रहे हैं उनको कि भाई आप मुझे अगर डिस्क्वालीफाई भी करना चाहते हो तो मुझे कर लो, आई डोंट केयर, कहते हैं मैं, मुझे इसकी कोई परवाह ही नहीं है, मैं आपका मुकाबला करूंगा। एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जरिए इनको डिस्क्वालिफिकेशन की प्लान किया जा रहा है कि इनको तौहीन अदालत लगा दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा के मामला चलाएं, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार होकर बैठा हुआ है कि इमरान खान ने एक आईनी इदारे के सरबराह और आईनी इदारे को के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की है, लिहाजा ये तौहीन अदालत है या तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो इमरान खान के वकला को वक्त नहीं दे रहे। अगला हफ्ता जब शुरू होगा तो उसमें ये क्लियर पोजीशन ले ली जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इमरान खान को शोकाज और फर्द जुर्मायत किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही है, इलेक्शन कमीशन भी तौहीन इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो अब दोनों सूरतों से इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर तैयार हो जाएं और नवाज शरीफ के हवाले से अगर उनको रिलीफ फराहम किया जाए अदालत से तो कोई रिएक्शन ना दें, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। तो पहला ऑप्शन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जरिए उनको डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरा जो ऑप्शन है उनका वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के जरिए। और इमरान खान तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूं और ना ही मैं इस किस्म का आपको NRO दे सकता हूं। लिहाजा अगला हफ्ता पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा अहम होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इमरान खान के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जाहिर है जो उनको फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है कि उनको फर्द जुर्म लगाई जाएगी, वो भी कमिंग या उससे अगले हफ्ते में कार्रवाई उसके ऊपर इनिशिएट होगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान किश्तियाँ जला कर मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो सारी कुव्वतें हैं वो मिलकर इमरान खान को नील डाउन करने की कोशिश की जा रही है, घुटनों के बल उनको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। वो रोजाना ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा या फिर मैं हो रहा हूं, वो खतरनाक है क्या? इमरान खान कहते हैं कि आप मुझे माइनस कर दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से मैं अब चार सूबों में हुकूमत चला रहा हूं, वैसे ही जब मेरी मकबूलियत है मैं आवाम में जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, नो इशू। मेरे बाकी जो लोग MNA हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपना मुंतखब कर दूंगा मैं,
और वो उसके ज़रिए मैं हुकूमत चलाऊँगा, आपने जो करना है कर लें। तो परेशानी अब दूसरे कैंप में शुरू हो चुकी है और बड़े हाई लेवल की परेशानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये शर्त रखी हुई है कि भाई मुझे और मरियम नवाज़ को अहल कराओ, फिर जाके मामला आगे बढ़ेंगे। और इमरान खान उसके उस सारे प्लान के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनते जा रहे हैं। ये थे आज की वीलॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हूँ।